सेकंड मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर इज मूविंग बाउंड्री मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं चल सीमा विधि। इस विधि से हम कैसे ट्रांसपोर्ट नंबर निकालते हैं, जो एपरेटस है उसको मैं डिस्क्रिप्शन आपको थोड़ा सा दे देती हूँ। ये यूट्यूब है, ठीक है, जो जिसके दोनों सिरे खुले हुए हैं और दोनों पर इलेक्ट्रोड फिट किए जाते हैं। इस ट्यूब के अंदर दो तरह के सॉल्यूशंस भरते हैं, ठीक है। जहाँ यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया एक HCl का, दूसरा लिया हमने CDCl का। तो क्या कैसे सॉल्यूशन हमें लेने चाहिए और उस सॉल्यूशन की क्या विशेषता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन होता है, पहला जो होता है इसको होते हैं मुख्य इलेक्ट्रोलाइट HCl, जिसे हमने लिया है यहाँ पर। HCl इज द मेन इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि मेन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य, जिसका कि आयन तेजी से माइग्रेट करता है, ठीक है। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HCl क्या देगा, H+ Cl- आयन। आपको पता है कि H+ आयन का माइग्रेशन जो है वो बहुत फास्ट होता है। दूसरा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको बोलते हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट या सूचक। तो सेट फर्स्ट ये हो गया, सेकंड आपका जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट है उसको लिया CdCl2, इसको क्या बोलेंगे तो सूचक, या फिर हम उसको बोलेंगे इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट ये डिसोशिएट होगा, क्या देगा आपको Cd प्लस टू प्लस टू Cl माइनस। अब आप देखिए कि हम जो दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, एक मेन इलेक्ट्रोलाइट है जिसको हम बोलते हैं मुख्य इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं हम, और दूसरा जो है सूचक इलेक्ट्रोलाइट है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट। दोनों में खास बात क्या है कि इसके अंदर जो एनायन है वो कॉमन Cl और कैटायन इस तरह की होनी चाहिए कि एक आयन की कोवलिटी ज्यादा हो। यानी कि आप देखोगे कि इसकी जो स्पीड है माइग्रेशन की वो ज्यादा है, कैडमियम की माइग्रेशन की स्पीड कम है, ठीक है। आप इंस्ट्रूमेंट सेटअप करते हैं, कूलोमीटर लगा देते हैं, रियोस्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर बैटरी है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये कैसे एक्ट करेगा, कैथोड की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड लिया वो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया है, और ये क्या है आपका एनोड है, और आपने बीच में ऑर्बिटर लगाया हुआ है। अब आप देखेंगे कि यूट्यूब के अंदर दो तरह के सोल्यूशन भरे हुए हैं। HCl सोल्यूशन को मैंने ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट किया और कैडमियम क्लोराइड सोल्यूशन को हमने ब्लू डॉट से प्रेजेंट किया। तो या तो दोनों सोल्यूशन में से एक सोल्यूशन कलर्ड होना चाहिए, ठीक है। रंगीन होगा तो क्या होगा, उसकी बाउंड्री, उसकी सीमा है, दोनों को मिलेगी सीमा, वो आपको साफ साफ दिखाई जाएगी। दूसरी बात, दूसरी विशेषता ये क्या होती है कि दोनों में से एक की डेंसिटी इतनी ज्यादा हो कि आपको पता लग जाए साफ साफ की जो सेकेंड सोल्यूशन है उसकी बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट होती है। इनसे आपका सारा रोल किसका है, बाउंड्री का है, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो क्या होगा, HCl में से जो H+ आयन है, HCl क्या देगा, H+ आयन, H+ आयन को हम करना चालू कर देते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। CdCl2 में से भी क्या, कैडमियम प्लस टू आयन, इसको हम मूव कर रहे हैं, ये भी ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ये बाउंड्री है हमारी, यहाँ तक आपका CdCl2 बिफोर द एक्सपेरिमेंट और H+ आयन स्टार्टिंग यहाँ से। जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट चलता है तो क्या होगा, H+ आयन यहाँ से माइग्रेट होते हुए इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाते हैं, और इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, क्योंकि कैथोड है यहाँ से इलेक्ट्रोड मिलेंगे, H+ प्लस इलेक्ट्रोड लेके और क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस कहा जाएगी, ये हाइड्रोजन गैस जो प्लैटिनम पर एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। कैडमियम आयन माइग्रेट कर, कैडमियम Cd+2 भी जा रहा है कैथोड की तरफ, लेकिन उसका मूवमेंट जो है वो इतना कम है कि वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है, वो यहाँ तक डिस्चार्ज नहीं हो पाता है। दोनों की दौड़ में H+ और कैडमियम प्लस टू आयन की दौड़ में H+ जीतता है, H+ पहुंच जाएगा, डिस्चार्ज होगा, अपना दो इलेक्ट्रॉन लेगा और H2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, H2+ गैस जो है प्लैटिनम पर एब्जॉर्ब हो जाएगी। आप देखेंगे कि 3-4 घंटे के बाद जब जो ड्यूरेशन होता है, अब ये जो बाउंड्री है ये वाली, अब कहाँ पहुंच गई है, यहाँ पर, ठीक है, ये खिसक के आ गया। अब ये तो हो गया बिफोर एक्सपेरिमेंट, और ये है आफ्टर एक्सपेरिमेंट।
कैडमियम आए चले तो सही, लेकिन वो 4 घंटे के अंदर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए, और एचपीएस आगे जाके क्या हो गए, डिस्चार्ज हो गए। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? चाहिए हमें कैलकुलेशन के लिए? पहला आपको प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात होनी चाहिए, हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की है हमें पता होना चाहिए। सेकंड क्या है कि जो कैथोडिक मीटर होता है इसको, इसकी जो बाउंड्री है, इसकी डिस्टेंस क्या है, सपोज एल है ना, ये मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, कैथेटोमीटर। कैथेटोमीटर की सहायता से हम जो बाउंड्री है उसका विस्थापन ज्ञात कर लेते हैं, या हम इंग्लिश में बोले तो कैथोडिक मीटर क्या करेगा, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है आयन का यहाँ से यहाँ माइग्रेशन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम किसकी सहायता से ज्ञात कर लेते हैं, मैं लिख लेती हूँ। पहला तो हमें क्या पता होना चाहिए, विद्युत धारा की मात्रा। इंग्लिश में बोले तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। दूसरा क्या है, कैथेटोमीटर, कैथेटोमीटर है ना, ये क्या करेगा, परिसीमा या हम इसको बोलेंगे कि इसमें बाउंड्री है ना, परिसीमा का विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट ज्ञात होना चाहिए। तो कैथेटोमीटर क्या करेगा, कितना पहले ए से बी में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है जो है डिस्प्लेसमेंट ज्ञात कर लेता है। तीसरा क्या है, जो ट्यूब है उसका अनुप्रस्थ काट, नली का अनुप्रस्थ काट, या हम क्या बोले इसको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब। इसको बोलते हैं ए सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरी पॉइंट क्या हो गया, हमें नली का अनुप्रस्थ काट पता होना चाहिए। ठीक, अब अगर हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता रहेगा, अब हमें एल पता होगी, ठीक है, परिसीमा का विस्थापन बन गया था एल, और हमें ए पता रह होगी, अब एल इंटू ए से करेंगे तो क्या जाएगा बी, तो इतना आयतन विस्थापित हुआ ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी इक्वल टू सॉरी एम इक्वल टू जगह क्या लेंगे हम, एल इंटू ए। ठीक है, एल क्या है, कितनी बाउंड्री ट्रेवल हुई, और ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यानी नली का विस्थापन। ठीक है, यदि हमें एचसीएल ब्रिज की सांद्रता ज्ञात हो, फोर्थ क्या, अगर हमें कंसेंट्रेशन पता हो, कंसेंट्रेशन या सांद्रता, ठीक है, तो बोलते हैं सी किसकी, एचसीएल की। ठीक है, तो हम इस सांद्रता को भी इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, जो मात्रा है आपकी एच प्लस आइन की, ग्राम तुल्यांक में संख्या हम कैसे पता करेंगे, ग्राम तुल्यांक में, ग्राम तुल्यांक में एच प्लस की मात्रा कैसे पता करेंगे आप, दिस एल इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, या हम इंग्लिश में बोले तो क्वांटिटी ऑफ एच प्लस आइन इन ग्राम इक्विवेलेंट, quantity of H plus ion in gram equivalent is given as L into A into C divided by 1000। ठीक है, ये हो गया आपका 4 पॉइंट जो आपको इस एक्सपेरिमेंट से हमें लेने हैं। पहला क्या लेने, विद्युत धारा की मात्रा, दूसरा कैथेटोमीटर का विस्थापन हुआ है, तीसरा नली का अनुप्रस्थ काट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चौथा आपने जो सॉल्यूशन फिल किया HCl का उसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो ये 4 चीजें हमें पता होने के बाद अब हमें क्या चाहिए, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की गई। ठीक है, अब आप लिखें, चूंकि 1 ग्राम तुल्यांक हाइड्रोजन आयन 1 फैराडे विद्युत धारा ले जाता है, क्या लिखेंगे, चूंकि 1 ग्राम तुल्यांक हाइड्रोजन आयन 1 ग्राम तुल्यांक हाइड्रोजन आयन
एक ग्राम कल्याण खड़गे आयन एक फैराडे विद्युत धारा को ले जाता है, तो एच प्लस आयनों द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा की कुल मात्रा क्या लिखेंगे यहाँ पर, एच प्लस आयन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा की कुल मात्रा, ठीक है, इसलिए विद्युत धारा ले जाई गई L into A into C upon 1000 आपको पता हो गया। अब अभिगमनांक कैसे निकालेंगे, एच प्लस आयन का अभिगमनांक एच प्लस क्या है यहाँ पर टैंक, तो हम इसको एन सी से रिप्रेजेंट करेंगे, एच प्लस ली जाएगी विद्युत धारा एच प्लस द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा अपॉन विद्युत धारा की कुल मात्रा, ठीक है। अब आप इंग्लिश में समझना चाहे तो ट्रांसफर नंबर ऑफ एच प्लस आयन, इट इज रिटन एज एन सी, इट इज गिवन एज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाय एच प्लस आयन, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाय एच प्लस आयन डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ या टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास इनटू द सॉल्यूशन। अब एच प्लस आयन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाय एच प्लस आयन क्या है, ये इट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाय एच प्लस आयन, तो हम लिखेंगे एन सी इक्वल टू क्या होगा एल इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई क्यू अपॉन एफ, क्यू अपॉन क्या है विद्युत धारा की कुल मात्रा, टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास इट इज रिटन एज दिस इक्वल टू क्यू अपॉन एफ, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एल इंटू ए इंटू सी इंटू एफ इट इज रिटन एज एल इसमें आएगा मल्टीप्लिकेशन अपॉन क्यू अपॉन एफ, इट इज रिटन एज एल इंटू ए इंटू सी 1000 इंटू क्यू इंटू एफ, तो इस तरह से एफ इज इक्वल टू 1 फैराडे, एन सी अगर हमें ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एच प्लस आयन का पता हो जाएगा तो हम दूसरे आयन का भी आसानी से पता कर सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से एन सी प्लस एन ए इक्वल टू 1 और एन ए आपको निकालना है, एन सी आपको पता है 1 - NC, इस तरह से हम एन आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकेंड मैथड मूविंग बाउंड्री मैथड, जिसको बोलते हैं चल सीमा विधि। मूविंग बाउंड्री मैथड के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट, चालकता मापन के अनुप्रयोग, तो क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है इसको हम शॉर्ट में समराइज करेंगे। पहला है दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन तथा वियोजन की मात्रा का निर्धारण, फिर क्या बोलेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, क्या कह रहे हैं आप डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसके लिए आपने पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ कोलॉस का, उसमें दिख रहा था आपने कि लैम्डा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन, इसको हम बोलते हैं लैम्डा बी इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट, ये क्या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या वियोजन की मात्रा को हम कैसे लैम्डा बी अपॉन लैम्डा इनफिनिट, लैम्डा भी क्या है किसी दी गई तंत्रता पर तुल्यांकी चालकता,
क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट ए गिवन डाइल्यूशन, ठीक है, क्या बोलेंगे आप, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट ए गिवन डाइल्यूशन, ग्राफाइट का डेट क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि अनंत तनुता पर क्रिया नहीं चलता, ठीक है, दोनों चीज समझ में आ गई, एक बार मैंने हिंदी में लिख दिया, एक बार मैंने इंग्लिश में लिख दिया, किसी की दी गई तनुता पर क्रिया नहीं चलता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट गिवन डाइल्यूशन, लैम्डा इनफाइनाइट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब हम इसको कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं लैम्डा सी इनफाइनाइट प्लस लैम्डा ए इनफाइनाइट, ये क्या था अगर आप लोगों को याद हो, ये क्या चीज थी, ये हमने किससे निकाला था, बोर्डाउस नियम से, तो हम ये किससे निकाल सकते हैं, बोर्डाउस नियम से, इट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ बोर्डाउस, इस तरह से आप जो है डिग्री ऑफ आइसोलेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बोल सकते हैं। सेकेंड है जल के आयनिक गुणनफल की गणना करना, सेकेंड क्या है, जल के आयनिक गुणनफल, की गणना करना, आयनिक गुणनफल क्या है, कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट, व्हाट अ कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ। अब आपने देखा होगा या पढ़ा है कि H2O किस माइन होगा, H प्लस प्लस टू H माइनस, लेकिन ये जो आयोनाइजेशन होता है वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, बहुत कम मात्रा में जल का आयन होता है, अगर ज्यादा मात्रा में होता तो या तो वाटर एसिड होता है, बेस होता है, वो न्यूट्रल नहीं होता, सिंपल कंडीशन में साधारण कंडीशन के अंदर H2O का आयन बहुत कम हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द्रव्य अनुपात क्रिया के नियम के अनुसार हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लेते हैं, H प्लस OH माइनस इक्वल टू H2O, अब क्या करेंगे K को इसके साथ कर देते हैं, ये बड़ा होगा आप लोगों ने इक्विलिब्रियम में, इसको क्या लिखते हैं KW H प्लस OH माइनस, ये कितना होता है 1.2, कैसे आया इसकी गणना कैलकुलेशन हम कंडक्टिविटी कैलकुलेशन से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर की के का मतलब विशिष्ट चालकता, इसका मान कितना होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, इसका मान कितना होता है 5.54 इंटू टेन स्क्वायर माइनस एट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ठीक है अब हमें क्या चाहिए अनंत तनुता पर एच प्लस आयन चाहिए लैम्डा इनफाइनाइट एच प्लस इसकी वैल्यू थ्री फोर्टी नाइन पॉइंट एट इसकी यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू इनवर्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू इनवर्स अब आ जाइए आप नियम के अनुसार क्या है लैम्डा इनफाइनाइट इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट सी एच प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट, ठीक है, आप देखिए 349.8 प्लस 198.6 ये क्या हो गया आपका 548.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि जो लैम्डा होता है,
क्या हो जाता है 1000 इनटू कापा कौन सी, हमें फाइनली करें फाइंड आउट करनी है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे अपन, 1000 इनटू 5.54 इनटू 10^-8 माइनस एट इसमें 548, ये लैम्डा इनफिनिट अपॉन लैम्डा इनफिनिट हो गया हूं, लैम्डा इनफिनिट इक्वल टू 548.4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.01 इनटू 10^-7 आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये हो गया आपका केडब्ल्यू है ना। अब सी कंसंट्रेशन किसकी, इसमें एच प्लस एन, अब हमें पता है कि एच प्लस एन की कंसंट्रेशन किसके बराबर है, वो जो मैंने साइन कंसंट्रेशन के लिए। तो के डब्ल्यू क्या करोगे आप, 1.01 इंटू 10^-7 ठीक है, इसी बोलो 1.01 इंटू 10^-7 दोनों को 1.02 इंटू 10^-14। इस तरह से हम चल के आने वाले की गणना हम इससे कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ कंडक्टेंस मीटर। नेक्स्ट है इसी में है कि जो एसिड्स और बेस होते हैं दुर्बल, वीक एसिड एंड बेस होते हैं, उनके वियोजन स्थिरांक का निर्धारण करना, डिटरमिनेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। तो ये अभी फॉर्मूला बताया था हमने, लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इन का बताया था ना, किसी भी अम्लीय क्षार का वियोजन हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे दुर्बल है यहाँ पे ना वीक, तो वीक मतलब एच ए है, एच ए क्या देगा, एच प्लस प्लस ए माइनस आए दोनों के बीच में हमेशा इक्विलिब्रियम होगा। तो हम अगर साम्यावस्था पर बात करें या इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे हम बात करते हैं तो ये इसका अल्फा डिसोसिएशन होगा, इसका अल्फा होगा, इसका अल्फा डिसोसिएशन होगा, दोनों के बीच में साम्य स्थापित हो गया और हम लॉग मास एक्शन निकालते हैं एंड इज द इसका मान जो है आपको इस वाली इक्वेशन में रखना है और उसके बाद लास्ट में आपको फाइंड आउट करोगे के ए। तो इसको समीकरण एक लिखते हैं, इसको समीकरण दो लिखते हैं, अल्फा का मान समीकरण एक से दो में रखने पर, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन वन इनटू इक्वेशन नंबर टू, क्या आ जाएगा कि ए इक्वल टू आएगा अल्फा स्क्वायर बी सी लैम्डा इनफाइनाइट, लैम्डा क्या आएगा इनफाइनाइट माइनस लैम्डा बी। तो ये हो गया